नमस्कार दोस्तों, सड़क हादसे में ट्राला की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत। बता दें कि गांव संखेड़ा निवासी युवक 30 वर्ष रविंद्र सिंह व 31 वर्ष साइंकी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता थे। रविंद्र अपने दोस्त साइंकी के साथ बाइक से छछरौली तहसील में किसी काम से गए हुए थे। वहां से वापस लौटते समय वह गाँव गनोला से आगे पुलिया के पास पहुँचे तो सामने से एक तेज रफ्तार गति से आ रहे ट्राला ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार दोनों सड़क पर जा गिरे और उनकी टांग, मुंह और सिर पर गंभीर चोट आई। बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और दुर्घटना के बाद आरोपित चालक ट्राला छोड़कर फरार हो गया। राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान रविंद्र की मौत हो गई, जबकि साइंकी को गंभीर हालात देखते हुए पीजीआई रेफर किया गया। पीजीआई ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। एक ही गांव के दो युवकों की मौत से गमगीन माहौल है। वहीं रविंद्र सिंह शादीशुदा था और उसकी एक बेटी है। सुभाष गुज्जर संदीप संखेड़े ने बताया कि दोनों यूनियन के कमठ कार्यकर्ता थे। किसानों के आंदोलन में वह बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। तो कृपया गाड़ियां चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। और आप सभी का इस घटना के बारे में क्या राय, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी छोटी बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।